ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक उलट फेर देखने को मिल रहे हैं और एक बार फिर से गुरुवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। पर्थ में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक रन से हरा दिया है और दिलचस्प बात यह है कि प्लेयर ऑफ द मैच है सिकंदर रजा, जो कि पाकिस्तान पंजाब के सियालकोट में पैदा हुए। कभी पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहते थे वो, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आपको बता दें कि सिकंदर रजा ने 4 ओवर की स्पेल में 25 रन देकर 3 विकेट झटके और पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी। लास्ट ओवर तक ये मैच गया है। क्या कुछ हुआ है इस पूरे मैच में हम आपको बताते हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के सामने 131 रनों का लक्ष्य रखा था। बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर से फ्लॉप और वो 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान भी सिर्फ 14 रन ही बना पाए। इफ्तिकार अहमद के आउट होने के बाद शान मसूद ने पारी को संभाला। चौथे विकेट के लिए उन्होंने शादाब खान के साथ 52 रनों की पार्टनरशिप जड़ी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के विकेट गिरने का जो सिलसिला है वो शुरू होता गया और 94 के स्कोर पर शान मसूद जो हैं वो 44 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद नवाज ने मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ पारी आगे बढ़ाई। 19वें ओवर में नवाज ने छक्का लगाया, तब लगा कि शायद पाकिस्तान अब जीत के करीब आ गई है, लेकिन ये T20 फॉर्मेट है, यहाँ पर तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तो देखिए हाइट्स होती हैं। टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 11 रन और आखिरी ओवर का रोमांच जरा देखिए कैसे था। सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजी समझाते हैं आपको। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए जो 11 रन की जरूरत थी, 6 विकेट उसमें गिर चुके थे और क्रीज पर थे मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम। पहली गेंद पर नवाज ने एक्स्ट्रा कवर पर ड्राइव लगाया और 3 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर मोहम्मद वसीम ने चौका जमा दिया और पाकिस्तान को जरूरत थी 4 रनों की 4 गेंदों पर। तीसरी गेंद आई, मोहम्मद वसीम ने 1 रन लिया, पाकिस्तान को 3 गेंद पर 3 रन की जरूरत पड़ी और चौथी गेंद पर नवाज ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, डॉट बॉल हुई और ऐसे 2 गेंद पर 3 रन की जरूरत पड़ गई पाकिस्तान को। अब आई पांचवी गेंद, नवाज क्रेग अर्विन को मिड ऑफ पर कैच थमा बैठे। आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, टाई के लिए 2 रन चाहिए थे। लास्ट बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने 1 रन लिया, दूसरे रन की कोशिश में वो रन आउट हो गए और विकेट कीपर कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद जूझ रहे थे, लेकिन अंत में जो है उन्होंने गिल्लियां बिखेर ही दी और उसके बाद तो जी जश्न का माहौल। जिम्बाब्वे के लिए ये एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। T20 वर्ल्ड कप 2022 में आपको बता दें पांचवीं बार ऐसा हुआ है कि कोई मेजर अपसेट देखने को मिला हो। इससे पहले वेस्ट इंडीज, जिसकी हमने स्टोरी भी आपको दिखाई थी, वेस्ट इंडीज जो है वो 2 बार की चैंपियन है T20 में और वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, वो जो है बाहर हो गई। इंग्लैंड भी जो है अपसेट हो चुका है उसका, श्रीलंका इंग्लैंड जैसे आपने देखा किस तरह से आयरलैंड ने उसको हराया है हाल ही में, और श्रीलंका जो है वो भी उलटफेर का शिकार हो चुकी है। खैर बात रही यहाँ पर पाकिस्तान की, तो इस हार के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुँचना बेहद मुश्किल हो गया है। इस विश्व कप में पाकिस्तान का ये दूसरा मुकाबला था, लेकिन उसका जो खाता है वो अभी तक खुल नहीं पाया है और जिम्बाब्वे अब सुपर 12 ग्रुप 2 की जो पॉइंट्स टेबल है उसमें तीसरे नंबर पर पहुँच गया है। उसके 2 मैच में 3 अंक हैं, टॉप पर है टीम इंडिया, उसके 2 मैच में 4 अंक हैं। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, चौथे नंबर पर बांग्लादेश, उसके 2 अंक है और पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर है।